हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम ईम्स दिल्ली। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको प्रोकास्टिनेट करने की आदत है या फिर आप सिंपली बस लेज़ी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रोकास्टिनेट करने की आदत है, इसका मतलब है कि आप लेज़ी हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या हैं एक्चुअली में, मैं आपको अभी कुछ मिनट्स में समझा दूँगी, क्योंकि ये चीज़ समझनी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको वो डिसीजन जो आपने लिया डॉक्टर बनने का वो ज़रूरी था। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना है कि प्रोकास्टिनेशन मतलब ये होता है कि आपने किसी काम को पोस्टपोन किया, किसी वैल्यूएबल काम को पोस्टपोन किया है अपने किसी ज़रूरी काम को करने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, 99% टाइम यही होता है कि आप इसीलिए उसको पोस्टपोन करते हो क्योंकि आपको मन नहीं होता किसी फालतू काम को आपको करना होता है, इसीलिए आप उसको पोस्टपोन कर देते हो। या फिर अभी मन नहीं होता क्योंकि ओवर स्लीप कर लिया या कुछ कर लिया, इसी कारण से आप उस चीज़ को पोस्टपोन कर देते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी गोल भी नहीं बनाया होगा। तो यार भैया, तुम अगर तुमने अभी तक गोल ही नहीं सेट किया है कि तुम्हें एक हफ्ते में क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, तब तो तुमने प्रोकास्टिनेट करने के लिए तो पहली बात तो कोई गोल ही नहीं सेट किया। प्रोकास्टिनेट तो तभी करते हो ना जब तुम रूटीन बनाओगे। बहुत लोग तो ऐसे होंगे कि रूटीन बनाने को ही पोस्टपोन कर दिया होगा। तुम तो शुरू में ही फिर गड़बड़ कर रहे हो। फिर गाइज, यहाँ पर यही चीज़ आती है कि अभी जैसे 5 मंथ्स आई हुई है, अभी जो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस आते हैं इस तरह से कि 6 मंथ स्ट्रैटेजी, 5 मंथ स्ट्रैटेजी, 4 मंथ स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट दिन की स्ट्रैटेजी, तो इसीलिए क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए जो लोग को प्रोकास्टिनेट करने की आदत है, जो लोग लेजी है तो उनको हर मंथ की स्ट्रैटेजी चाहिए। उसके बाद आप कमेंट पूछोगे, दीदी अगर मैं आज ज़ीरो से शुरू करूँ तो क्या मुझे ईम्स दिल्ली मिल जाएगा? क्यों भाई, क्यों अभी तुम ज़ीरो से क्यों स्टार्ट करोगे? पहले क्या कर रहे थे? आखिर ऐसे ज़ीरो से क्यों स्टार्ट करोगे यार? इतना ज़रूरी काम क्यों कर रहे थे कि अब ये चीज़ करने की याद है जब अब दिसंबर आ गया है? कोई भी बड़ी चीज़ को करने के लिए, अगर आपने जैसे नीट को आपको क्रैक करने के लिए सोचा है कोई काम को, कोई भी काम हो, वो ईमानदारी ढूंढता है, वो चीज़ आपसे लॉयलिटी चाहती है, वो आपसे प्रायोरिटी चाहती है। तो अगर आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, प्रायोरिटी नहीं दोगे, चाहे मुझे पता है बहुत कुछ अभी टीनेज में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम होती है, ऐसा लगता है कि अभी ही तो एज है ये करने का, लेकिन अभी ही तो एज है अपनी लाइफ बनाने का, अभी ही तो एज है कि नीट दोगे, हर चीज़ तो बाद में भी कर लोगे। जब कॉलेज पहुँच जाओगे तो अभी, जब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, वैसे तुम भी करोगे। एम्स की लाइफ तो तुम देखते ही होगे बाकी लोगों की, और बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ देख ही रहे होगे। देखने में बहुत कूल लगता है, लेकिन मैं बता देती हूँ, जो कॉलेज जाने के बाद और हालत ख़राब होती है, और ज़्यादा लोगों को फिर आदत हो जाती है प्रोकास्टिनेट करने की। लेकिन फिर भी नीट में तैयारी कर करके इतना ज़्यादा तपस्या हो जाती है कि वो चीज़ संभल जाती है वहाँ जाकर। इसीलिए अगर ये जो अभी तपस्या आप कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये एक तरह से ट्रेनिंग है आपकी ट्रेनिंग है कि आप मेडिकल कॉलेज में जाके इससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की होगी, कोई टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, या फिर बीच बीच में टेस्ट छोड़ते होंगे। तो आपको मैंने एक टेस्ट के बारे में बताया था कुछ दिन पहले, कि अनअकैडमी MBBS लीग के बारे में बताया था, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी मेरे से पूछ रहा था सिलेबस क्या है, तो मुझे उस समय नहीं पता था। अभी मैंने फिर से पता किया है, अभी फिर से 6 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, 6 तारीख को एग्ज़ाम है, 2 बजे लाइव एग्ज़ाम होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, बाकी चीज़ें आप देख लेना। लेकिन सिलेबस मैं बता देती हूँ कि सिलेबस फुल आपका नीट का 11th 12th का सिलेबस है। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं वो टेस्ट जो है आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ये सब टेस्ट का इम्पोर्टेंस ये होता है ना कि इसमें आपको ना, जो आप लाइव जब एग्ज़ाम देते हो तो दिमाग आपका अलर्ट होने की प्रैक्टिस करता है। अगर आप इन सब लाइव टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो ना, आपका दिमाग जो है इतना ज़्यादा अब प्रिपेयर हो चुका है। तो ये सब जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये सब जो लाइव टेस्ट होते हैं, जो ये सब टाइप के एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं, जो आप बिसाइड जो आप मेन टेस्ट आप जो ज्वाइन किए हुए हो, ये सब अगर आप बीच बीच में देते रहोगे तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा, आपको लगेगा कि एक जो सेम पैटर्न में आप एक टेस्ट दे रहे थे और ये सब टाइप का टेस्ट आप बीच में फ्री में दे रहे हो, तो काफ़ी आपका दिमाग जो आपको समझाता है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, और आप दूसरे डायरेक्शन में भी चेक कर पाओगे कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हो।
ठीक है, क्योंकि इसीलिए एक टेस्ट सीरीज से समझ में नहीं आता कि आपका किस तरह से जो हो रहा है तैयारी हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब जितने भी फ्री वाले टेस्ट सीरीज़ होते हैं मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो जो लोग भी देना चाहते हैं आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी गाइज मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग भी अभी ड्रॉपर्स होंगे ना, वो काफ़ी मेरे साथ एग्री करते होंगे कि उन लोगों ने बहुत चीज़ों को पोस्टपोन किया है, इस कारण से आपको ड्रॉप लेना पड़ा, ठीक है। मैं भी ड्रॉपर हूँ भाई, मैंने भी बहुत ज़्यादा जो है कुछ टाइम पे ऐसा था कि मैंने चीज़ों को ऐसे पोस्टपोन किया था कि ये फिज़िक्स में नहीं हो रहा, अभी इसको रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे, या फिर कुछ रियल प्रॉब्लम भी होती है जिसके कारण जो है समझ में ही नहीं आ रहा, कोई बताने वाला ही नहीं, तो फिर कहाँ से करेंगे, ठीक है। लेकिन वही है कि जहाँ पर आप करना चाहते हो तो जहाँ पर चाह है वहाँ पर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपको गाइस बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने सोचा है कि आपको आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट क्रैक करना है, या फिर ज़िंदगी में कुछ और भी करना है, ठीक है, कुछ और भी, कोई और भी काम, तो कभी भी किसी चीज़ को कल के लिए नहीं छोड़ें, या फिर थोड़े देर बाद के लिए नहीं छोड़ें, क्योंकि अभी क्या करो, अभी ही टाइम है। इतने सारे यार हिंदी में यार दोहे पड़े हो गए कि कल करे सो, आज करे सो, अब एंड सो ऑन। तो आखिर आपको सिखाने के लिए आपको मतलब हाई स्कूल में और मिडिल स्कूल में ये सब चीज़ें पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो यही ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि बचपन की जो डिग्री जो नंबर आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, सही में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं कि आप बचपन में कैसे थे, लेकिन आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में किस तरह से मोल्ड कर पा रहे हो, उस चीज़ को क्या सीखे हो आप, ठीक है, उस चीज़ को क्या सीखे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर हर दिन समझ लो मैं 13 साल तक जिस स्कूल में पढ़ी वहाँ हर दिन फर्स्ट क्लास जो होती है मॉडल साइंस की होती थी। और मुझे लगता है कि जो मैं आज हूँ, जो मेरी आइडियोलॉजी है वो उस मॉडल साइंस क्लास के कारण होती थी। लोग उसके कोई नंबर नहीं होते थे, उसका एग्ज़ाम भी नहीं होता था, लेकिन उसमें जो सिखाया जाता था वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर देती। और मुझे वो क्लास ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सच में अपने आप को बिल्डअप कर पा रही हूँ। तो अभी मैं जो कुछ भी बोल पाती हूँ, जो आपको समझा पाती हूँ, बस मेरे स्कूल की देन है जहाँ मैं पढ़ती थी और मेरे मम्मी पापा। तो बेसिकली यार यही मेरा ये कहना है कि आप चीज़ों को जो है किसी इस रीज़न से, जैसे मैं बता देती हूँ आप लोग क्या सोचते होंगे कि फिज़िक्स है, फिज़िक्स नहीं हो रही, टाइम किल हो रहा है उसमें, इसलिए चलो बायो पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर ही तो करना है, बायो कर लेते हैं। हाँ केमिस्ट्री में ये वाला ऑर्गेनिक नहीं हो रहा, चलो ठीक है इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में जाओगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ तो लोगे, फिर क्वेश्चन नहीं हो रहा, अरे यार पढ़ तो लिया ना, चलो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। उसके बाद आप जाओगे फिज़िकल में सारी थ्योरी पढ़ लोगे, फिर सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब तो यार बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, उतना कौन टाइम देता है, चलो रहने तो आज का हो गया, ठीक है, बाद में लास्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है यार, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आप तुम क्वेश्चन करोगे। लेकिन यहीं पर समझने की बात है कि आपने जो डिसाइड किया है उतना ज़रूर करो रोज़। मुझे पता है मुझे कुछ पेरेंट्स भी देखते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी देखते हैं, तो मुझे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बच्चे हैं, आप जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको बोलें कि तुम जो है जितना डिसाइड किए हो उतना करो। और आप खुद से चेक करें, खुद सुबह सुबह उनसे पूछें कि आज बेटा तुम क्या करने वाले हो, और फिर रात में चेक करें कि उसने कितना तक किया है। तो गाइज मुझे बस आप लोगों से बस यही बात करनी थी, जो आपको ऑलरेडी पता ही है कि पोस्टपोन करोगे तो चले जाओगे। तो आपको बस ये बात समझ लेनी कि अगर आप किसी चीज़ को कल के लिए छोड़ रहे हो, ये कल कभी तो आएगा ही नहीं जो सब बोलते हैं, ठीक है। और उल्टा ये होगा कि फिर आप यूट्यूब पे फिर वही 5 मंथ की स्ट्रैटेजी, 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी देखते रहोगे, और फिर होगा कुछ नहीं, ठीक है, होगा कुछ नहीं। और फिर अपने आप खुद भी फिर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो, इसलिए तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ वीडियो देखते हो आप। अगर आप शुरू में ही सब कुछ करते रहो, फिर तो बस रिवीजन करना है आपको, हर चीज़ को बस करके ख़त्म करके रखो कि ये स्टैक बनाओ। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए क्या प्रायोरिटी है वो आपको सेट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को पोस्टपोन करते जाओगे कि नहीं आज ये नहीं, अभी शादी में जाना, अभी शादी का सीज़न है तो अभी नहीं, अभी शादी में चले जाते हैं, नहीं तो मेरी दीदी की शादी है तो मुझे दीदी की शादी अटेंड करनी है, मुझे मेरे अपने भैया की शादी मुझे अटेंड करनी है, यार मुझे पता है अटेंड करनी है। लेकिन अगर आपकी फैमिली वाले ही इस बात को नहीं समझ पाए कि आपके लिए एग्ज़ाम कितना ज़रूरी है, तब आपको एटलीस्ट आपको तो अपने एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देना ही होगा,
क्योंकि ये एक एग्ज़ाम जो है, लोग बोलते हैं कि एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगी, तब तक जब तक कि आपने उस पेपर को नहीं दे दिया है, ठीक है, पेपर दे दिया उसके बाद ये बात बोल लो ताकि स्ट्रेस ना हो। लेकिन यार प्लीज, लाइफ डिसाइड करती है, लाइफ डिसाइड एक किसी पॉइंट पर तो करती ही करती है। तो जब तक पेपर नहीं दिया है तब तक तो उस पेपर को यही समझो कि ये पेपर आपकी लाइफ ही डिसाइड कर रही है। उसके बाद बोलना, उसके बाद जब रिज़ल्ट ख़राब हो जाए ना तब बोलना कि ये पेपर आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर रही है। इवन पास भी हो जाना तो भी बोलना, लेकिन दिस नीट इज़ एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग थिंग। इसीलिए अभी आपके लाइफ का सबसे मेन प्रायोरिटी बस ये एग्ज़ाम होना चाहिए, और कोई भी काम धरती पे इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, कोई भी काम बिसाइड्स योर पेरेंट्स हेल्थ, ठीक है, अपने मम्मी पापा के को ध्यान दे, अभी ठंड की सीज़न है, ठीक है, बाकी उसके बाद अपनी पढ़ाई बस, और आपके लिए धरती पे और कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ क्योंकि बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस। मैं आपको बताती हूँ, 7 तारीख को एग्ज़ाम था नीट का, 5 तारीख को मेरी कज़न सिस्टर जो बहुत ज़्यादा क्लोज है उसकी शादी थी, ठीक है, और मैं उसकी शादी में सिर्फ 2 घंटे के लिए गई थी। मैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके गई थी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए गई थी। सब कुछ प्रिपेयर किया था, मेरी मम्मी ने प्रिपेयर किया था सब कुछ, ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग वगैरह कर दिया, लेकिन किसी भी रस्म में मैं नहीं गई, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट होता है। और भी चीज़ें बहुत कुछ है जो आपको बताऊँगी, तो सेक्रीफाइस करना होगा, और मेन बात यह है कि आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि आप क्या करते हैं, और आप सीख गए होंगे कि कैसे कैसे प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, ठीक है, कैसे नहीं करना है। बस आपको ये सोचना है कि आप अपना जो काम डिसाइड किया आप उसके साथ ईमानदार रहो, क्योंकि यार ईमानदारी से काम करोगे तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।